आज कोई इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की बात में आते हैं कि फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करें। अगर आपको फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता नहीं है तो आप कैसे पासवर्ड पता कर सकते हैं और फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और साथ साथ अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में आपको फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर राइट की तरफ थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली से आपको इस थ्री डॉट में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर राइट की तरफ आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर अकाउंट सेंटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस अकाउंट सेंटर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको फेसबुक अकाउंट में क्लिक कर देना है। तो आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको करंट पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद नीचे आपको न्यू पासवर्ड बना लेना है, उसके बाद फिर से आपको रीटाइप करके न्यू पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो उसके लिए सिंपली से आपको यहाँ से डायरेक्ट बैक हो जाना है। बैक होने के बाद सिंपली से आपको अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद ऊपर राइट की तरफ आपको प्रोफाइल में क्लिक कर देना है और आपने जिस जीमेल से फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या फिर मैनेज गूगल अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको सिक्योरिटी में क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको पासवर्ड मैनेजर में क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है जिसपे पासवर्ड यूज होते हैं वो सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर फेसबुक भी देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको फेसबुक में क्लिक कर देना है, अपना फिंगरप्रिंट या लॉग डाल देना है। उसके बाद आपने जितने भी फेसबुक अकाउंट बना रखे होंगे सारे फेसबुक अकाउंट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ऊपर फेसबुक अकाउंट का यूजर नेम या फिर जीमेल देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे आपको पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। आपका पासवर्ड यहाँ पर हाइड है, सिंपली से आई बटन में क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पासवर्ड शो हो जाएगा और आई बटन के साइड में आपको कॉपी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहां से अपना पासवर्ड कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड कॉपी कर लेना है और यहां पर आ जाना है। सबसे पहले आपको ऊपर करंट पासवर्ड फिल कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना करंट पासवर्ड फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं अपना नया पासवर्ड बना लेता हूँ। मैंने अपना करंट पासवर्ड फिल कर दिया है, उसके बाद न्यू पासवर्ड भी बना लिया है। अदरवाइज आपके जीमेल में पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आप अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आप ये इसका पासवर्ड यहाँ से फॉरगेट हो जाएगा और एक नया पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको ये भी स्टेप फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ पर नीचे देख सकते हैं चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली से आपको चेंज पासवर्ड में क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरा फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल में क्लिक कर लेना है ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।